वेलकम अगेन। आज माउथ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। दरअसल बताने वाली तो हूँ टीथ वाइटनिंग के बारे में कि दांतों को सफ़ेद कैसे बनाना है, लेकिन जो रेमेडी बता रही हूँ ये आपके मुंह की सारी ही परेशानियों को दूर करेगी। इसके लिए हम सरसों ऑयल यूज़ करेंगे। नॉर्मली सभी घर में होता है, नहीं होता तो ईजिली मार्केट में मिल जाता है। बहुत यूज़फुल चीज़ है। इसमें दो चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे इतना ज़बरदस्त एक फार्मूला बन जाएगा, चाहे कैसी भी मुंह की परेशानी है, बदबू आना है, पायरिया है, दांतों में दर्द है, मसूड़ों में सूजन है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको मुंह की ठीक हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरी रेमेडीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल, और इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। सरसों का तेल और नमक दो सभी घर में होता ही है नॉर्मली, और अगर सरसों का तेल आपके घर में नहीं है तो किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाएगा आपको। तो जो थर्ड चीज़ हमें इसमें ऐड करनी है वो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और नमक और हल्दी दोनों की प्रॉपर्टी ही एंटीसेप्टिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। मुंह की कोई भी परेशानी है ये ठीक कर सकती हैं। जो सरसों का तेल हमने इसमें ऐड किया है इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके मुंह को, आपके दांतों को हेल्दी रखते हैं। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो 3 चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखती हैं, और ये जो फार्मूला है ना बहुत पुराने टाइम से यूज़ किया जाता रहा है। अपनी दादी नानी आपके घर में जो भी बुजुर्ग होंगे आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये बहुत इफेक्टिव एक फार्मूला है, मुंह की सारी परेशानियों को दूर करता ही है, साथ ही आपके दांतों को भी चमका दे। तो अब बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसको आपको जैसे मंजन करते हैं अपनी फिंगर से वैसे यूज़ करना है। ब्रश कर सकते हैं, ब्रश अगर चाहते हैं यूज़ करना तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिंगर से करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसको दिन में 2 बार करना है, 1 सुबह और 1 रात में, और हल्की मसाज करनी है अपनी मसूड़ों पर, अपने दांतों पर इसको रगड़ना है और मसूड़ों पर आपको मसाज करनी है। और इससे क्या होगा कि आपके दांतों की, मसूड़ों की सारी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी, हर तरह की बीमारी से ठीक हो जाएगी। और इसको 2 मिनट हल्की मसाज करने के बाद, मसूड़ों पर दांतों पर रगड़ने के बाद 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 से 3 मिनट, और उसके बाद आप खुला कर लेंगे। इसको आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं, 2 बार तो करना ही है, इसको आप कितना भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नॉर्मली जब आपसे बताया जाता है दांत सफ़ेद करने के लिए कोई भी चीज़ तो उसमें बेकिंग सोडा बताते हैं यूज़ करने के लिए, लेकिन बेकिंग सोडा हार्मफुल होता है, उसको ज़्यादा नहीं यूज़ करना इसलिए, लेकिन इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसको ट्राई करके देखिएगा।